हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे रिंकल के बारे में। रिंकल को आप नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए दो अप्रोचेस हो सकती हैं। एक तो आउटसाइड अप्रोच है, जिसमें आप एंटी रिंकल क्रीम लगा सकते हैं, डायरेक्ट अपने फेस पे लगा सकते हैं, तो रिंकल आपके ठीक होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके बाकी बॉडी में कहीं रिंकल्स आ रहे हैं, स्किन सैग कर रही है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। उसके लिए तो बेटर है कि आप इनसाइड अप्रोच आप यूज़ करिए, मतलब अंदर से अगर आप ठीक होते हैं तो आपकी स्किन चाहे फेस की हो, चाहे हाथों की हो, चाहे बाकी बॉडी की हो, वो सारी ठीक होना शुरू हो जाती है। तो स्किन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है विटामिन ए। अब विटामिन ए काफ़ी फूडों में मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको विटामिन ए की कमी क्यों हुई। पहले कमी इसलिए हुई कि जब आपकी पेट का जो स्टमक एसिड जब कम हो जाता है, तो वो प्रॉपरली खाने में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जब आपका स्टमक एसिड कम होता है, तो वो एसिड जो होता है उसको कहते हैं जठर अग्नि। तो ये जठर अग्नि जब कम होनी शुरू हो जाती है, तो खाना जो खाया पिया डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये जठर अग्नि बढ़ाना ज़रूरी है। अगर जठर अग्नि आपकी बढ़ जाती है, तो जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसमें से वो खाना एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है। तो ये जठर अग्नि किस चीज़ से बनती है? ये आप नमक खाते हैं ना, नमक जो होता है उसमें दो मेजर चीज़ें होती हैं, एक तो सोडियम होता है, दूसरा क्लोराइड होता है। और आपके पेट में जो एसिड होता है उसका नाम है बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, मतलब वो क्लोराइड ही होता है जो एसिड बनाता है पेट का। तो नमक में क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड, 60% नमक में क्लोराइड होता है। तो पेट का सारा एसिड, आपके पेट का जो जठर अग्नि है, वो अग्नि बनाने वाला कौन है, साल्ट है, नमक है। नमक खाना बहुत ज़रूरी है। नमक आपने ज़्यादा नहीं खाना, लेकिन कम भी नहीं खाना। आप हर एक चीज़ पे नमक डाल के खाइए, चाहे वो सैलड है उसके ऊपर नमक डाल के खाइए, दही है उसमें नमक डाल के खाइए, आप कोई फ्रूट खा रहे हैं उसमें नमक डाल के खाइए, मतलब आप मैक्सिमम चीज़ों में नमक डाल के खाइए। इवन आप जो रोटी खाते हैं, तो जब वो आटा गूंदे उसमें आप नमक डाल लीजिए थोड़ा सा। आप चावल जो सूखे चावल हैं जो बनाना लगते हैं, तो उसी पानी में ही थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, कि आपके पास बॉडी को नमक मिलना चाहिए। ज़्यादा नहीं खाना, लेकिन आपने कम भी नहीं खाना। क्लोराइड आपके पेट में अगर जाता है, तो स्टमक एसिड बनेगा। एक बार जठर अग्नि जब पूरी हो जाएगी, तो आपका खाए पिए में से डाइजेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, उसमें से ताकत निकालना शुरू कर देगी। तो अब आप बात कर लेते हैं क्या क्या खाना चाहिए आपको। एक तो आपने इसमें विटामिन ए लेना है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी ओवरऑल पूरी स्किन एकदम से रिजुविनेट हो जाती है। दूसरा आपने लेना है ओमेगा 3। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते, तो आजकल वेज वाला ओमेगा 3 भी आता है एल्गी का, वो भी आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़ लेनी है आपने विटामिन डी, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है विटामिन D3। फिर लेना है चौथा आपने सप्लीमेंट लेना है कॉलेजन का। कॉलेजन भी जो है, कॉलेजन होता है आपकी स्किन और हड्डी को पकड़ने वाली जो चीज़ होती है, जो गोंद होती है, जो गम होता है, वो होता है कॉलेजन। अगर वो ढीला हो जाए, तो स्किन में रिंकल आने शुरू हो जाते हैं। और खाने पीने वाली चीज़ें जो आप खा सकते हैं इसमें, एक तो आपने खाना है अंडा। अंडे में स्पेशली जो येलो पार्ट है वो ज़रूर खाना है। आजकल कॉन्सेप्ट ये है कि भी सिर्फ वाइट पार्ट खाते हैं, येलो पार्ट फेंक देते हैं, मोटा होता है, कोई मोटा नहीं होता। ये कंबाइंड फूड है, वो उसके आपस में जब मिलेंगे नहीं, तो आपका डाइजेस्ट नहीं होगा अंडा, इसलिए आपने कंप्लीट एग खाना है। उसके बाद आपने खाना है, अपनी डाइट में घी खाना है, सारा खाना घी में बनना चाहिए, और बटर खाना है, ये आपके डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपने ग्रीन वेजिटेबल जूस लेना है, चाहे आप जूस ले लो, चाहे आप उसको सैलेड के फॉर्म में लो। तो ये चीज़ें आप कुछ करके देखिए, आपकी बॉडी में बहुत जल्दी चेंजेस आएगा, स्पेशली जो साल्ट है, जो नमक है। नमक जो होता है, इवन आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जो नमक खाने के बाद अगर आपकी बॉडी में कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है, चाहे कोई मोल्ड है, कोई एल्गी है, कोई फंगस है, चाहे कैंडिडा का प्रॉब्लम है आपको, सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है, नमक एकदम से ठीक कर देता है। आपका स्किन ग्लो करना शुरू कर देता है, विटामिन D3 भी आपका स्किन ग्लो कर देती है बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप अपने डाइट में ऐड करिए, तो आप देखेंगे आपके स्किन में से रिंकल इमीडिएटली ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।